शिवसेना के बाद अब मनसे भी कराची शब्द को लेकर आपत्ति जता रही है और यही कारण है कि अब कराची बेकरी जो कि बांद्रा में है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यहां पर एमएनएस के तमाम नेता पहुंचे हैं और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने कराची बेकरी में जो बिस्किट्स थे उसके डब्बे हमने देखा किस तरह से यहाँ पर उसको चकनाचूर कर दिया और साफ तौर पर कहना है कि कराची शब्द जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर एमएनएस से जुड़े कई लोग हैं, साथ ही एमएनएस के लॉयर भी हैं पर हमारे साथ। आप बताइए क्या कुछ बातचीत हुई, हमने देखा आप लोगों ने अंदर लेटर दिया है, ये लेटर क्या है, किस सिलसिले में? देखिए पहली बात तो ये कराची बेकरी जो है वो बिजनेस रन कर रही है सिंस 1953 और ये रन कर रही है फ्रॉम हैदराबाद, इट्स अ सिंधी बेस्ड कंपनी और आज 70 साल से ज्यादा हो गया हमारे देश को आजादी मिले हुए, लेकिन ये जो है आज तक कंपनी का नाम यही कराची बेकरी चल रहा है हमारे देश में रहकर, हमारी कंट्री में रहकर। इनकी जो पाकिस्तान की जो कैपिटल सिटी है उनका ब्रांड जो किया जा रहा है तो ये देश में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसकी वजह से मनसे के जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर हाजी सैफ शेख, इन्होंने मुझे अप्रोच किया, हमने लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया और लीगल नोटिस ड्राफ्ट हमने इनको आज ही। आपको ये लीगल नोटिस जूम करके दिखाते हैं तो ये आपने कहाँ कहाँ पर भेजी? ये अभी हमने एज ऑफ नाउ हैंड डिलीवर करवाया है कराची बेकरी की मुंबई के ब्रांच में। उसके साथ साथ हाजी सैफ शेख ने कल जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह के वो भी स्पीड पोस्ट करवाया है और ये मांग की है कि ये कराची जो नाम है वो हटाया जाए। हमें बेकरी से कुछ भी मतलब नहीं है, बेकरी रन बिजनेस रन करे ठीक है, लेकिन जो नाम जो ब्रांडिंग जो प्रमोशन कराची की जा रही है हमारे देश में रहकर वो एक्सेप्टेबल हमें नहीं है। तो क्या शिवसेना की मांग के बाद आप लोग ये शुरू हुए हैं या आप लोगों को पहले से ही? हमने इसके ऊपर वर्कआउट दो दिन पहले ही कर चुका था और ये एविडेंट है इससे कि कल ही हाजी सैफ शेख जो है जो वाइस प्रेसिडेंट मनसे के है, इन्होंने ऑलरेडी अपनी कंप्लेंट्स और लेटर्स डिस्पैच करवा चुका था कल मॉर्निंग में ही और शिवसेना ने ये मुद्दा खड़ा किया है शाम को। और ये शिवसेना का मुद्दा नहीं है, एक्चुअली कोई एक कंसर्न पर्सन है जिन्होंने ये मुद्दा आगे लेके चला गया और कहीं से तो ये चीज लीक हुई कि हम इस पे एक्शन लेने वाले हैं, तो ये मे भी एक पॉलिटिकल स्पैट बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये मुद्दा शुरू हुआ है हमारे तरफ से और ये हमने चार दिन पहले डिस्कस कर लिया था, दो दिन पहले वर्कआउट इसके ऊपर हमने स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल, एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जब यहाँ पर एमएनएस के लोग पहुंचे तो हाफ शटर डाउन कर दिया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।